आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम किसान केवाईसी के बारे में। आप सबको पता होगा फ्रेंड, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत एक बड़ी अपडेट आई है, जिनमें जिनका आधार के थ्रू केवाईसी नहीं कर पाते वो बायोमेट्रिक के थ्रू अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। सभी वीएलई भाइयों का मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आया था कि वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है तो बायोमेट्रिक के थ्रू केवाईसी कंप्लीट कैसे करें। सो गाइस, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा, एक न्यू लिंक जारी की गई है जिसके जरिए आप वहाँ से अपनी सीएससी में जाकर लॉग इन कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। इसके बाद फिर वहाँ से अपनी केवाईसी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर आप एक किसान भाई और अभी तक आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, जो कि आधार ओटीपी से होती थी और आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक है, तो आप नियरेस्ट सीएससी सेंटर में विजिट करके अपनी पीएम किसान केवाईसी को कंप्लीट करवा सकते हैं। इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कैसे आप केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं न्यू लिंक के थ्रू। तो चलिए जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक नई फ्रेंड अपडेट आई थी कि जो लोगों का अभी तक ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो अपना ई केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं बायोमेट्रिक के थ्रू। यहां से आएंगे फिर pmkisan.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट में, तो यहां से भी देख सकते हैं, बताएगा ई केवाईसी मैंडेटरी। मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कैसे आप ई केवाईसी बायोमेट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। मेरे पास काफी सारे सवाल आए थे कि यहाँ से वेबसाइट नहीं विजिट कर रही है, यानी वेबसाइट वो नहीं विजिट हो रहा है, टेक्निकल इरर आ रहा है, तो कैसे केवाईसी को कंप्लीट करें। अगर फिर आप एक सीएससी वेली भाई हैं तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे फिर आप यहां से पीएम किसान सम्मानित योजना की केवाईसी को आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको मालूम होगा फ्रेंड कि यहां सभी वेबसाइट में काफी सारे लोड हो गया है, तो ये वेबसाइट अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। तो जब फिर यहां से आएंगे pmkisan.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट में, आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आएंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है सीएससी लॉगिन का। आप सीएससी लॉगिन पे क्लिक करेंगे फिर इस समय सर्वर आपका नहीं चल रहा है, तो यहाँ से आपको लॉगिन नहीं करना है। इसके लिए फिर आपको यहाँ से आ जाना डिजिटल सेवा पोर्टल में। आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। जैसे फिर आप आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यह फिर एक ऑपरेटर आईडी है, यह सीएससी आईडी नहीं है, सीएससी की ऑपरेटर आईडी है, इसलिए आप यहां से देख सकते हैं आपको वैलेट का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। ये चीज पे जो मैं आपको बताने वाला हूं, सीएससी आईडी और ऑपरेटर आईडी आप दोनों से कर सकते हैं। जैसे यहां से आएंगे फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहीं से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पीएम ई किसान का। आप यहां से भी सीधा जाके पीएम ई किसान में जा सकते हैं, या तो फिर आप यहां से अपने गूगल में आएंगे और आपको यहां से सर्च करना है पीएम किसान। जैसे पीएम किसान सर्च करेंगे तो आपको यहां से pmkisan.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट में आ जाएंगे। यहां से आएंगे फिर तो आपको यहां से देख सकते हैं ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। आपको सिंपली यहां से होम में आ जाना है। होम में आएंगे फिर तो वही चीज यहां से आपको देखने को मिल जाती है। काफी सारे लोग बोले यहां से फिर आपको उनको सीएससी लॉगिन का भी ऑप्शन नहीं मिल रहा था। अगर नहीं मिलता फिर आप यहां से रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास सीएससी लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहां से आ जाना है डिजिटल सेवा पोर्टल में। आपको सिंपली क्लिक करना है पीएम किसान पे। जैसे फिर आप यहां से पीएम किसान पे क्लिक करेंगे तो यहां से देख सकते हैं पीएम किसान का एक पॉपअप आ गया है, जहां से आपको व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सिंपली फिर यहां से व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। जैसे फिर आप यहां से व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहां से फिर आपको इसको रिफ्रेश करते रहना है क्योंकि ये वेबसाइट काफी सारी बिजी यहां से चल रही है। तो आपको यहां से चीज करना क्या है, जो अब मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यहां से देख सकते हैं pmkisan.gov.in आप यहां से आ जाएंगे तो यहीं से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जहां से देख सकते हैं पीएम किसान। तो आपको फ्रेंड सिंपली करना क्या, यहां से देख सकते हैं जो https इस यहां से आपको ये जो लाइन दिख रही है, इन लाइन के बाद आपको यहां से टाइप करना exlink। आपको ये सिर्फ आपको टाइप करना exlink.। जैसे आप क्लिक करेंगे यहां से, फिर इसके बाद आपसे देख सकते हैं आपको एक नई वेबसाइट बन जाएगी यहां से exlink.pmkisan.gov.in इसके आगे जो लिखा रहेगा, इसका फिर आपको सिंपली इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करेंगे फिर तो यहां से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सर्वर में काफी सा बिजी चल रहा है जिसके कारण यह अनअवेलेबल आएगा। आपको फिर इसको आपको यहां से रिफ्रेश करते जाना है। जैसे फिर आप यहां से रिफ्रेश करते जाएंगे तो आपको यहां से मिल जाएगा आपको कैसे पीएम किसान में आ जाना है। इसके बाद का आपको प्रोसेस क्या है चलिए हम लोग बता देते हैं। इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अगर आपने पहले से अपने डैशबोर्ड में लॉगिन किया हुआ है अपनी आईडी और पासवर्ड को, यहीं से देख सकते हैं फ्रेंड आपको काफी सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें फ्रेंड आपको यहां से पहले लॉगिन का भी सीएससी लॉगिन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था। अब ये काफी सारे ऑप्शन भी यहां से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
यहाँ से आएंगे फिर तो एक ऑप्शन आप देख सकते हैं लिख मिल जाता है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेट। आपको सिंपली बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ से वेट करना है। वेट करने के बाद फिर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ से फिल करना पड़ेगा, एक कैप्चा को फिल करना है, जो कैप्चा शो कर रहा है फिर आपको इस कैप्चा को यहाँ से फिल करना है एंड सर्च पे क्लिक करना है। जैसे फिर सर्च पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा, जहाँ से आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, फिर जो कैप्चा दिए रहेंगे उसे फिल करना है एंड आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ से फिल करना है। जो भी आप फिर आप मोबाइल नंबर देंगे उस नंबर में ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के फिर आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे फिर आप यहाँ से ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, इसके बाद आपके फिंगर को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। जैसे फिर आप ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा, जहाँ से देख सकते हैं कैप्चा फॉर ईकेवाईसी कर सकते हैं और यहाँ से कई डिवाइस भी मिल जाती हैं, जिनमें देख सकते हैं आप मार्कोड डिवाइस से भी कैप्चा कर सकते हैं या फिर आप स्टैटिक से भी कर सकते हैं और मंत्रा डिवाइस से भी आप यहाँ से एक कैप्चा करके अपनी केवाईसी को कम्प्लीट कर सकते हैं। जिस भी डिवाइस से आप करना चाहेंगे सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे फिर क्लिक करेंगे जो भी आपकी डिवाइस रहेगी उसमें लाइट जलेगी, इसके बाद आपको डिवाइस को यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। जैसे फिर आप यहाँ से कैप्चा फिल करेंगे सबमिट करेंगे तो फिर आपको सीएससी के वैलेट से ₹5 चार्ज लेगा, तो ₹5 चार्ज कटने के बाद आपको यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ से आपकी पीएम केवाईसी में ई केवाईसी हो जाएगी। सो फ्रेंड इस प्रकार आप यहां से देख सकते हैं लिंक जनरेट करके अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाया हूं, लेकिन फ्रेंड आप यहां से पेज को रिफ्रेश करते रहिएगा, आपकी केवाईसी वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल रहेगा तो आप मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो जरूर करें। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप उनसे वहां भी पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पे अगर फिर पहली बार चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक ऑल पे क्लिक करें। इस तरह जितने भी आपके लिए यूजफुल एवं नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। नॉलेज जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।